चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम जानेंगे डिसेबल टेलीमेट्री के बारे में। ओके, टेलीमेट्री क्या होती है? सीधी इस बात है, देखिए भाई, यदि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके पास लैपटॉप है या फिर कोई भी पीसी है, ठीक है, तो आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो सबका रिकॉर्ड जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। चाहे आप एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो तो एंड्रॉइड के पास जाता है, गूगल के पास, और यदि आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, पीसी इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जाता है कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ, यानी कि यदि विंडो है तो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, जो कुछ भी हो, माइक्रोसॉफ्ट के पास ये सब जाता है रिपोर्ट। तो मान लीजिए कि ये सारे रिपोर्ट तो जाता है, लेकिन हम इसको क्या स्टॉप कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, तो वहां पर आता है टेलीमेट्री। ठीक है, अब इसको हम डिसेबल करेंगे ग्रुप पॉलिसी एडिटर के मदद से। ओके, तो सबसे पहली बात यह है यहां पर, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने विंडो पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, और उसके बाद से आप चले जाइए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। कहां पर मिलेगा? सेटिंग पर जाइए और डायरेक्टली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए। मेरे पास विंडो 11 है, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए यहां पर लेआउट जो है थोड़ा चेंज है। ठीक है, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आप किसी भी विंडो वर्जन में कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से तो यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक किया तो यहां पर कुछ ऑप्शनल चीजें आ जाती है और यहां पर डायग्नोसिस एंड फीडबैक ऑप्शन मिलता है, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डाटा। ठीक है, अब ये क्यों मांग रहे हैं भाई साहब, ऑन है, यहां पर पहले से ही ऑन है, यानी कि ये सब देखिए, जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं अपने वेब ब्राउजर में, अपने कंप्यूटर से, या फिर किसी भी एप्स को आप यूज करते हैं, उसके फीचर्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है रिपोर्ट जाता है विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के पास, ताकि वो आपके विंडोज का एक्सपीरियंस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको और जो है अच्छा बना सके। लेकिन डाटा फिर भी तो जाता है ना, तो मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं है कि आपके कंप्यूटर का डाटा, जो भी वेबसाइट का डाटा है या फिर जो भी आप ब्राउज करते हैं, वो सब डाटा माइक्रोसॉफ्ट के पास जाए, तो आपको यहां से ऑफ कर देना है। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहां से ऑफ कर दिया तो क्या होगा? क्या माइक्रोसॉफ्ट जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। यदि आप इसको ऑफ कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपके हार्डवेयर के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, सिस्टम की सेटिंग के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, और दोस्तों सिस्टम की फंक्शनैलिटी के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा। चलिए ठीक है, अब ये सब तो आपने समझ गए और यहां से आपने ऑफ भी कर दिया, तो बात आती है क्या ये सभी चीजों को रोक सकते हैं और क्या रोकना मतलब सेफ है? अगर हम रोकते हैं तो क्या ये वाकई में हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो है हमारा विंडो अच्छे से चलेगा? बिल्कुल अच्छे से चलेगा और आप इसको रोक सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं हाउ टू डिसेबल टेलीमेट्री यूजिंग द ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर एक शॉर्टकट है विंडो प्लस आर। ओके, तो इससे रन कमांड आ जाता है, रन कमांड यहां पर आ चुका है, आपको यहां पर gpedit.msc टाइप करना है। ध्यान से देखिए, gpedit यानी ग्रुप पॉलिसी एडिट। ओके, ये एक शॉर्टकट है और .msc टाइप करना है, ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहां पर एक तरीके का, यहां पर देखिए यहां पर एक विंडोज खुल जा रहा है, नया एक विंडो खुल गया। अब यहां पर देखिए दिया गया है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है, क्लिक करना मतलब सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां देखिए नीचे दिख रहा है, अब यहां पर पूरा दिख नहीं रहा है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो और भी कई सारे जो है यहां पर ऑप्शन दिख जा रहे हैं। तो यहां पर हमें जाना है विंडो कंपोनेंट में। ओके, तो विंडो कंपोनेंट पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर और भी सारे चीजें जो है ओपन हो जाते हैं। इसके बाद से हमें जाना है डाटा कलेक्शन एंड प्रीव्यू बिल्ड में। तो यहां पर देखिए डाटा कलेक्शन एंड प्रीव्यू बिल्ड, इसको हम बड़ा ही कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो, और इसको भी थोड़ा हम इसको चौड़ा कर लेते हैं। तो डाटा कलेक्शन कहां किया, यहां पे ये रहा डाटा कलेक्शन एंड प्रीव्यू बिल्ड। ओके, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर एक अलग तरीके का जो है विंडोज साइड में खुल जाएगा और उसके बाद से दोस्तों हमें डिसेबल करने का ऑप्शन मिलेगा ग्रुप पॉलिसी एडिटर के मदद से। दोस्तों हम विंडोज की टेलीमेट्री को जो है डिसेबल कर सकते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें अलाउ डायग्नोस्टिक डाटा जो है कहां पर है, देखिए यहां पर है अलाउ डायग्नोस्टिक डाटा, इस पर हमें देखिए आप पहले से नॉट कॉन्फिगर और यहां पर नो लिखा हुआ है कमेंट, ओके तो इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर एक अलग से विंडोज ओपन हो जाएगी और यहां पर पहले से नॉट कॉन्फिगर है तो हमें यहां पर इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन मतलब दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए सीधी सी बात है, यदि हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं, यदि हम अपने विंडोज का जो है डाटा या फिर जो वेबसाइट विजिट करते हैं, ब्राउजर विजिट करते हैं या फिर ब्राउजर में जो भी वेबसाइट या डाटा जो भी खोलते हैं, तो हम चाहते नहीं है कि मतलब हमारा जो डाटा है वो कोई और लें, ठीक है। अगर हम अगर ये चाहते हैं कि कोई ले ले तो भाई ले देगा, लेकिन चाहते हैं कि भाई कोई ना ले, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए और ध्यान से दीजिए ये किस पर सपोर्ट करेगा वो भी देख लीजिए। एटलीस्ट विंडोज सर्वर 2016 एंड विंडोज 10 इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर, विंडोज के इन वर्जन पर जो है ये डिसेबल हो जाएगा, यानी कि डिसेबल कर सकते हैं, बाकी किसी वर्जन पर डिसेबल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो आप यहां से ओके कर दीजिए और उसके बाद से देखिए यहां पर डिसेबल हो गया है। अब जो भी आप जो है अपने विंडोज में या फिर लैपटॉप पीसी में कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं और जो भी मान लीजिए कोई भी वेबसाइट यहां पर विजिट करते हैं, तो अब जो है कोई भी यहां पर डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं जाएगा और यही तो आप चाहते थे ना। चलिए।